सारी दुनिया में रुतबा है पाया, ओ सारी दुनिया में रुतबा है पाया, सारी दुनिया में रुतबा है पाया। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, दामन को ही फैलाए हुए हैं किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, आता दे बुलाया है, चलो बुलावा आया है, आता दे
मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया जोता वाली, तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया जोता वाली। प्रेम से बोलो हे माता दी, ओ सारे बोलो हे माता दी, मैंने सुनिया हे माता दी, आवाज नहीं आई हे माता दी, बेबी माँ भोली हे माता दी, भरती झोली हे माता दी, थोड़े दर्पण हे माता दी, देती दर्शन हे माता दी, जय माता दी हे माता दी, जय माता दी हे माता दी, बोली श्री दरबार की जय हो। बोली श्री दरबार की जय हो। आइए एक बंदर और कहेंगे, उसके बाद तारा और गुण का पाठ शुरू किया जाएगा। सच्चे दरबार की जय हो। ओ रब ने पूछा मुझे तुमको क्या चाहिए, मेरे रब से कहा मुझको माँ चाहिए। रब ने पूछा मुझे तुमको क्या चाहिए, मैंने रब से कहा मुझको माँ चाहिए। महाकाल जी की आरती। बोलिए राजा अधिराज महाकाल सरकार की, हर महादेव शंभो, हर हर महादेव।
Give us some.
कुम्हार थे और हर रोज मिट्टी खोदकर उस मिट्टी से बर्तन बनाकर उन बर्तनों को बाजार में जाकर बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। समय बीतता गया। एक दिन रात को नंदलाल जी को सपना आया, मां भगवती ने दर्शन दिए सपने में आकर, और नंदलाल को जब दर्शन दिए कि जब सुबह मिट्टी खोदने के लिए जाओगे तो वहां पर मेरी बड़ी सुंदर मूर्ति मिलेगी। जैसे ही नंदलाल सुबह कस्सी लेकर मिट्टी खोदने के लिए गए, पहली कस्सी मारी भगत ने, निकली केसर क्यारी। पहली कस्सी मारी भगत ने, निकली केसर क्यारी। दूसरी कस्सी मारी भगत ने, निकली लौंग सुपारी। और तीसरी कस्सी मारी भगत ने, निकली चौकी भारी। चौथी कस्सी मारी भगत ने, निकली माँ की मूरत प्यारी। एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी एक जयकारा लगा दीजिए। जय की। जोनी चौक पुरावा, हरे हरे गोबर तेरा अंग नाली पावा, गज मोती चौक पुरावा। माँ के भक्तों ने माँ की सुंदर मूर्ति को बड़े आदर सहित गज मोतियों के ऊपर चौकी सजाकर बड़े भाव से सजाया और उस मूर्त की पूजा करने लगे। सुबह शाम जोत बत्ती करते हैं। माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई कि नंदलाल यदि हर रोज 100 रुपया कमाता था तो अब 400 रुपया कमाने लगा। यानी कि जो पूजा करते मैया की वो माला माल है। माँ की सेवा करते रहे और दिन दुगनी कर दिया तो नंदलाल के सपने में माँ भगवती आई। माँ भगवती कहने लगी कि नंदलाल मैंने तुझे जीवन में उपयोगी सभी चीजें दी हैं। कोशिश करें कि बातें ना करें। एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी जयकारा बोल दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और नंदलाल के सपने में माँ भगवती आई, कहने लगी नंदलाल मैंने तुझे जीवन में उपयोगी सभी वस्तुएं दी हैं पर तूने कभी मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। नंदलाल उसी समय नींद से जागा और माँ से ये वादा किया कि माँ जब चैत्र के नवरात्रे आएंगे उन चैत्र के नवरात्रों में मैं भक्तों को साथ लेकर अकाल मित्र मंडल नारियल की भेंट चढ़ा रहे हैं उस तरह से नारियल की भेंट चढ़ाऊंगा। चैत्र के नवरात्रे आ गए। जब नवरात्रे आए तो नंदलाल सभी भक्तों को लेकर दिल्ली से नंगे पांव जमीन पर माथा टेको और जब तक जल का छींटा ना लग जाए कोई उठेगा नहीं, चाहे सुबह हो जाए, उठ जाइए। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय। और नंदलाल भक्त मंडली को लेकर साथ में ढोलक छैने बजाता हुआ माँ वैष्णो के दरबार पर जा रहा है। आप सब मेरे साथ 2 मिनट के लिए माँ का कीर्तन करें। जरा प्रेम से बोलो, मेरी बहनें बोले, भाई भी बोले, वैष्णो रानी अम्बे कल्याणी, माँ चिंतापुर्णी, माँ ज्वाला रानी, माँ भरे भंडारे, माँ कृपा करती सारे। बोलो जयकारा शेरावाली का। नंदलाल वैष्णो दरबार पहुंचा पर जैसे ही कटरा पहुंचा, कटरा जाकर देखता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और गहरी गहरी खाई है। हे माँ यहां तक तो मैं आ गया हूं पर इससे आगे मैं कैसे आऊंगा। माँ से वैष्णो दरबार जाऊंगा। कहो जय माता की। सभी कह दो जय माता की। प्रेम से कह दो जय माता की। बड़ी मुश्किल से माँ के दरबार पे पहुंचा। माँ के दरबार के दर्शन करके जैसे ही वापिस आया नंदलाल कहने लगा कि माँ अब मेरे शरीर में वो ताकत नहीं रही, मेरे शरीर में वो ताकत नहीं रही है। माँ अब आप कृपा करना और मेरे घर पर आकर चैत्र के नवरात्रों में अष्टमी की रात को जागरण में
आकर महारानी सबको दर्शन देना, कहिए जय माता की, फिर कहिए जय माता दी। समय बीता, चैत्र के नवरात्रे आए, अष्टमी का दिन आया और बबलू भैया जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की, बातें बंद कराने वाली माता तेरी जय हो। बोली सच्चे दरबार की, चैत्र के नवरात्रे अष्टमी का दिन आया, जैसे घर घर जाकर भक्तों को ये संदेशा दिया जाता है कि आज हमारे घर पर जागरण है, उसी प्रकार से नंदलाल ने सबके घर में जाकर ये संदेशा दिया कि माँ का जागरण है मेरे घर पर और आप सब आएंगे। कुछ लोगों ने सोचा कि नंदलाल बूढ़ा हो गया है, अब इसका दिमाग जो है वो ठिकाने पर नहीं है, ये माँ वैष्णो देवी है, ये देवी देवताओं के घर पर नहीं जाती है, तो इस साधारण नंदलाल के घर पर कैसे जाएगी। पुलिस स्वयं नहीं गए, अपने नौकर के हाथ संदेशा भेज दिया। ऋषि दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया कि पहले तो बुलाया नहीं, यदि बुलाया है तो अपने नौकरों के हाथ संदेशा भेज दिया है, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा, कहिए जय माता दी। दोनों हाथ उठाकर कहिए जय माता दी, प्रेम से कहिए जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की। इतना कहने की देर थी कि एक गिद्ध का रूप धारण कर लिया, पक्षी राज गिद्ध का रूप धारण किया और अपने पंजों में एक मृत सर्प को, मरे हुए सांप को उठाकर उस पेड़ के ऊपर, उस वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए, जिस वृक्ष के नीचे एक खीर का पतीला प्रसाद का बन रहा था। सबसे नजरें बचाते हुए उस मरे हुए सांप को उस खीर के अंदर डाल दिया, पर जिसको भगवान बचाए उसे कौन मार सकता है। जाको राखे साइया, बाल ना बांका कर सके जो जग वैरी होए। इस सारी घटना को कोई और भी देख रहा था, ऋषि दुर्वासा जी के मन में था कि ये जो मरा हुआ सांप मैंने इस खीर में डाल दिया है, सारी खीर में जहर फैल जाएगा, जहर फैल जाएगा और जो जो प्राणी इस खीर के प्रसाद को खाएगा वो निश्चय ही मारा जाएगा और उनका पाप इन पांडवों को लगेगा, इनका यज्ञ सफल नहीं होगा। बोले सच्चे दरबार की, बोले सच्चे दरबार की, अब इस सारी घटना को कोई और भी देख रहा है, वो कौन है? उस वृक्ष के ऊपर एक छिपकली है, ये कोई और छिपकली नहीं, ये वही छोटी बहन आज सातवें जन्म में आकर द्वापर युग में आज इसकी मुक्ति का समय है। इनको कैसे बचाया जाए? पर छिपकली मन में विचार करती है, मुख ना हिलत मेरी जीवा ना हिलत है, मैं कौन सा करूं उपाय कि इन सब की जान बच जाए, कि मेरा मुख नहीं हिलता है, मेरी जीवा नहीं हिलती है, मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं कि इन सब की जान बच जाए। घरों में छिपकली होती है, छिपकली यदि कुछ बोलती है मैं समझ कहां आता है कि वो क्या बोल रही है। फिर मन में विचार आया कि यदि इन सब की जान बचानी है तो अपनी जान देनी पड़ेगी। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अंदर छलांग लगा दी, जैसे ही छलांग लगाई उन भक्तों ने देखा कि ये प्रसाद बना हुआ था, इस प्रसाद के अंदर इसने आकर बड़ा ही गलत कार्य कर दिया है। जा तुझे श्राप देते हैं कि तू, तेरा भीलों के घर में वास हो। अभी एक श्राप से मुक्त हुई है, दूसरा श्राप साथ ही मिल गया, कह दो जय माता की। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब सबने विचार किया कि यदि इस खीर के प्रसाद को ऐसे ही कहीं पर गिरा दिया गया तो कोई जानवर इसे खा जाएगा, छिपकली के अंदर बहुत जहर होता है तो वो मारा जाएगा। तो एक गहरा खड्डा खोदकर उस खड्डे के अंदर इस प्रसाद को डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर दबा दिया जाए इस प्रसाद को।
अब जैसे ही खड्डा खोद कर उसके अंदर पतीले में से प्रसाद डालना शुरू किया तो सबसे पहले क्या गया, सबसे पहले गई छिपकली, फिर खीर, उसके बाद मरा हुआ सांप। जब मरे हुए सांप को देखा तो सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, समझ आ गई सारी बात कि इस बेचारी ने तो अपनी जान देकर हम सबकी जान बचाई है कि बड़ी बेटी का नाम तारा रानी रखा जाएगा। हे राजन, इसका भविष्य ये है कि ये जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी आपके राज्य का विस्तार होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि हर तरफ आपके नाम का डंका बजेगा और हर तरफ आप ही आप होंगे। जैसे ही छोटी बेटी की तरफ देखा, कहने लगे, राजन ये जो छोटी बेटी है इसका जन्म जो हुआ है मंगलवार के दिन हुआ है। बड़ी बेटी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी आपके राज्य का विस्तार होता जाएगा, पर ये छोटी बेटी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी आपके राज्य का नाश होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इतनी बात सुनी राजा ने तलवार उठाई, उस तलवार को लेकर बेटी की तरफ को भागा है कि मैं आज इस कन्या को, या कि एक लकड़ी का बक्सा बनाया जाए, उस लकड़ी के बक्से के अंदर इस कन्या को लिटाकर ऊपर सोना चांदी हीरे मोती ज्वारात जड़ दिए जाएं और इसे चलते पानी में प्रवाहित कर दिया जाए। ये जिसके पास भी बक्सा चला जाएगा इसके बाहर इतना सोना चांदी लगा होगा कि इस कन्या का पालन पोषण बड़े आराम से हो जाएगा। ऐसा ही एक बक्सा बनाया गया, उस बक्से के अंदर उस कन्या को लिटाकर सोना चांदी लगाकर चलते पानी में रात के समय बहा दिया। सारी रात वो बक्सा बहता रहा। सुबह एक नगर के किनारे पहुंचा तो पंडित जी आ रहे हैं स्नान करने के लिए नदी में, तो क्या देखते हैं कि दूर एक बक्सा बहता हुआ जा रहा है जिसके ऊपर सोना चांदी लगा हुआ है। परंतु मजबूरी ये है, ये मॉर्निंग वॉक हो रहा है, बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। इतनी देर में क्या देखते हैं कि दूर से एक मछुआरा चलता हुआ आ रहा है। उस मछुआरे को आवाज लगाई, जब आवाज लगाई कि ये लकड़ी का बक्सा बहता हुआ जा रहा है, इस बक्से को बाहर निकालो। जैसे ही वो उस जल के अंदर उतरा, भगवती माँ की कृपा से वो अपने आप ही किनारे पर आ गया बक्सा। वो लकड़ी के बक्से को बाहर निकाला, जैसे ही खोलने लगा पंडित जी कहने लगे, पहले रुक जाओ, इस बक्से को मैंने देखा है, पहले ये फैसला हो जाए कि लकड़ी के अंदर का सामान कौन रखेगा और बाहर जो सोना चांदी रखा है ये कौन रखेगा। वो कहने लगा कि पंडित जी आपका जो मन करे मुझे वो हर शर्त मंजूर है। पंडित जी ने सोचा कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, बाहर तो सोना चांदी नजर आ रहा है, अंदर क्या पता कंकड़ पत्थर ही भरे हों। कहने लगे कि अंदर का जो कुछ हुआ वो तेरा और बाहर ये जो कुछ है ये मेरा। जैसे ही बक्से को खोला, उस बक्से के अंदर एक छोटी सी कन्या दाहिने पैर के अंगूठे को मुंह में डालकर खेल रही है। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। उस कन्या को उठाया, मछुआरा बड़ा प्रसन्न हुआ। पंडित जी कहने लगे कि मुझे तो सोना चांदी मिल गया, मैं इसलिए खुश हूं, तुझे तो ये बेटी मिली है, तू क्यों खुश है? अब 20-22 साल तक तू इसका पालन पोषण करेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा जब तू इसकी शादी कर देगा और तेरे पास जो भी होगा वो तू दान दहेज में दे देगा। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और वो कहने लगा कि पंडित जी सोना चांदी आपको मुबारक, मैं इस कन्या को लेकर ही बड़ा खुश हूं क्योंकि मेरे विवाह को कई वर्ष बीत गए हैं, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आज ये कन्या हमें मिली है। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। वो कन्या को लेकर चला गया और पंडित जी सोना चांदी लेकर अपने घर चले गए।
समय बीता गया, एक तारा एक रुकमन, इसका नाम रुकमन रखा गया छोटी वाली का। घर में प्यार से सब इसको रुको रुको कहते थे। एक तारा एक रुकमन दोनों ही मां की पुजारन, एक महलों में पल रही है और एक साधारण घर में पल रही है। समय बीता गया, दोनों बहनें बड़ी हो गई। राजा स्पर्श के मन में आया कि अब बेटी बड़ी हो गई है, बेटी जवान हो गई है। मेरा एक मित्र है, वो कहता है कि अच्छे माता पिता वही होते हैं जब बेटी पैदा होती है उसी दिन से उसके लिए वर, सुयोग्य वर ढूंढना शुरू कर देते हैं। राजा स्पर्श के मन में आया कि अब बेटी बड़ी हो गई है, बेटी का विवाह करना है, क्योंकि बेटियां बाबुल राजा जब आप मेरे हाथों में झाड़ू पकड़ा देखते थे तो आप मेरे हाथों से झाड़ू दूर फेंक देते थे कि कहीं मेरी बेटी के हाथ में छाले ना पड़ जाएं। बाबुल राजा मेरी तरफ कोई देखता था तो आप उसकी आंखें निकाल लेते थे। आज मुझे इस घर से क्यों जाना पड़ रहा है? राजा स्पर्श ने बेटी का रिश्ता तय कर दिया कांगड़ा जिला के राजा हरिचंद के साथ। राजा हरिचंद बारात लेकर राजा स्पर्श के घर गए। तारा रानी का विवाह हुआ, बेटी की डोली जाने लगी है और सारे लोग रो रहे हैं। बेटी की डोली विदा हो रही है, बेटी आते भी सुख मांगती है, बेटी जाते भी सुख मांगती है। बेटी जब तक अपने माता पिता के घर पर रहती है, मां से ये प्रार्थना करती है कि मां, हे परमपिता परमात्मा, मेरे बाबुल राजा का घर, मेरे मां बाप का घर हरा भरा रखना, इसमें कोई कमी ना आए। बेटी की जब डोली विदा होती है पीछे चावलों के दाने डालकर जाती है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं इस घर से जा रही हूं, मेरे मां बाप का घर ठीक रखना। जाते हुए अपने भाई से कहती है कि भैया, आप पिताजी के साथ झगड़ते थे, लड़ते थे, तो मैं आपको हटा देती थी, अब मैं इस घर से जा रही हूं, मेरे मां बाप को तंग मत करना। तारा रानी की डोली विदा हुई। आज राजा हरिचंद के घर में तारा रानी से महारानी तारा बन गई है। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। बचपन से ही मां की सेवा करती है, मां की पूजा करती है। हाथ उठाकर ताली बजाकर आवाज नहीं आई, मैंने सुनिया। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सुनाई नहीं देता या ऊंचा सुनाई देता है, इसका मतलब ये कि आप इतना अच्छा जय माता दी बोलते हैं, मेरा बार बार सुनने का दिल करता है। एक बार दोनों हाथ उठाइए बिल्कुल सीधे और दोनों हाथ भगवती मां को दिखाइए कि मां, हम आपके चरणों में बैठकर सारी रात से भजन कीर्तन कर रहे हैं, हमारे परिवारों में जो भी दुख तकलीफ है उनको आप दूर कर दो, हम आपके चरणों में बैठकर आपके नाम की हाजिरी भर रहे हैं। इस भावना के साथ जरा प्रेम से बोलो, मेरी बहनें बोलें, मेरे भाई भी बोलें, जय माता दी। अच्छा एक बात और, सभी स्माइलिंग कहती हूं कि आज से आप महलों में साफ सफाई का कार्य नहीं करेंगे। रुकमन कहने लगी, ये ढोल नगाड़े बज रहे थे, ये क्या हो रहा था यहां पर? तारा रानी ने बताया कि अंदर बाला सुंदरी मंदिर है और मां बाला सुंदरी का भजन कीर्तन होता है। इस भजन कीर्तन का क्या लाभ है? ये जो जागरण कीर्तन कथा करवाए जाते हैं इनका क्या लाभ है? ये महाकाल मित्र मंडल वाले हर साल जागरण क्यों करवाते हैं, इससे क्या लाभ होता है? तो तारा रानी बताती है कि जो भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करते हैं, मां के कथा कीर्तन जागरण करवाते हैं, उनके परिवारों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती देती है। निर्धन को धन देती है, कोड़ी को काया देती है। ये मां सबके खजाने भरती है, मां सबके ऊपर कृपा करती है।
और आज से आप महलों की साफ सफाई नहीं करेंगे, महलों में कोई और करेगा, आप मंदिर में आकर मंदिर की बुहारी करेंगी, मंदिर को साफ सुथरा करेंगी, ताकि जब हम मंदिर में कीर्तन करने की, ये जो माँ है ये दूध वाले को दूध देती है, पूत वाले को पूत देती है। इतना समय हो गया है मुझे माँ की पूजा करते हुए, पर मेरे घर में संतान नहीं है। तारा रानी कहने लगी, रुक्मण मंगलवार की रात को जब हम अपने स्थान पर जागरण करेंगे, उस जागरण में आकर अपने घर से कुछ रुपया पैसा लेकर आना और उस रुपये से मां के चरणों में अरदास करवा देना, क्योंकि उस समय की हुई अरदास मां के चरणों में पहुंचती है सीधी। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, उस समय जो भी आप मांगोगी मां आपकी झोली में डाल देगी। कहिए जय माता। भक्तों ने कहा कि यदि डॉक्टर वैद्य हकीम सब हार गए हैं, तारा रानी कहीं तूने कोई मन्नत तो नहीं मांगी थी? मन्नत का नाम लिया तो याद आ गया कि मैंने मां से ये वादा किया था कि मेरे घर में जब संतान आएगी तो मैं आपके नाम का जागरण करवाऊंगी। कह दो जय माता दी, फिर कहिए जय माता दी। इस समय रुक्मण की अरदास का समय है। सारी रात में अरदास भक्तजन नहीं करते हैं, पर कुछ अरदासें होती हैं जो भक्त कहकर लेते हैं, क्योंकि इस समय को पूर्ण किया बजरंग बली जी ने आकर याद दिलवाया, तो रुक्मण डल लेकर पहुंची है भक्तों के पास। डल लेने से इनकार कर दिया भक्तों ने, कहने लगे कि आप महलों में साफ सफाई का कार्य करने वाली हैं और जहां पर भजन कीर्तन करने के लिए जाओ उस घर से अन्न जल ग्रहण करना पड़ता है, वहां से कुछ ना कुछ जरूर खाना पीना पड़ता है, वहां का भोजन करना पड़ता है, वहां का जल पीना पड़ता है, और हम आपके घर में कुछ भी नहीं खा पी सकते। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब तारा रानी के पास जाकर डल दे दीजिए, यदि तारा रानी मान जाती है तो आपके घर में हम जागरण करने के लिए आ जाएंगे। तारा रानी के पास पहुंचिए, डल दिए हैं, तारा रानी कहने लगी कि आपके घर में जागरण में जरूर आऊंगी। इधर सेना नाई के हाथ संदेशा भेज दिया, आजकल तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से सबको मैसेज चले जाते हैं कि महाकाल मित्र मंडल वाले जागरण करवा रहे हैं, जरा पहुंच जाना 17 तारीख को। अब पहले ऐसे नहीं होता था, पहले जाने मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया, कहने लगा राजन ये आपके महलों का पानी है, आपके महलों का उस्तरा है, और यदि होंठों को थोड़ा सा लग गया है तो आपने मुझे ये थप्पड़ मार दिया है। उस समय आपकी मान मर्यादा कहां जाएगी जब महलों में साफ सफाई का काम करने वाली तारा रानी के घर, रुक्मण के घर पर महलों में रहने वाली महारानी तारा जाएगी। राजा कहने लगा यदि ये बात सच हुई तो मैं तारा रानी को जान से मार दूंगा, पर यदि ये बात झूठ हुई तो मैं तेरे सहित सारे परिवार को ही खत्म कर दूंगा। अब राजा पहुंचा महलों में तो रानी के हाव भाव देखकर समझ गया कि सेना नाई की बात सच है। राजा कहने लगा तारा रानी तू जादूगर नारी है, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि तेरी गोद में मांस का प्रसाद रखा था पर तूने इसको बदल दिया है। तारा रानी कहती है कि राजन ये मैंने नहीं किया, ये मेरी मां ने किया है। अच्छा घट रखी है कि मुझे
माँ का पंथ बतलाओ, माँ के दर्शन करवाओ। तारा रानी कहने लगी, रहने दो राजन, ये बड़ा मुश्किल काम है, तलवार की धार है और नंगे पांव चलना पड़ता है, और इसमें एक शर्त और भी है, यदि एक बार ये कार्य शुरू हो गया फिर इसे चाह कर भी हम रोक नहीं सकते हैं। पर राजा ने जिद पकड़ रखी है कि मुझे मां के दर्शन करवाओ, मां के पंथ बतलाओ। कहने लगी, ठीक है, यदि मां का पंथ जानना है, मां के दर्शन करने हैं, तो अपनी तलवार उठाओ और उस तलवार को लेकर तबेले में चले जाओ। तबेले में जाकर अपने नीले रंग के घोड़े का शीश काट कर लेकर आओ। राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा कहने लगा कि तारा रानी, वो मेरा सबसे प्यारा घोड़ा है, मैं उसे कैसे मार सकता हूं। तारा रानी कहती है, राजन इसीलिए मैं कह रही हूं कि अभी ये कार्य शुरू नहीं हुआ है, इसे यहीं पर रोक दिया जाए। परंतु राजा ने जिद पकड़ रखी, कोई बात नहीं, घोड़े का बलिदान देना है तो मैं घोड़े को शीश काट कर ले आऊंगा। खिच खंडा राजा तुरपिया, जेड़ा गया तबेले विच जा। अपनी तलवार लेकर तबेले के अंदर चला गया, घोड़े की तरफ देखा, घोड़े के ऊपर दो बार हाथ फेरा और एक ही झटके में शीश उतार दिया। राजा चारों चार रोने लगा, राजा की आंखों से आंसू आ गए। काट कर लेकर आता हूं। राजा जैसे जैसे महलों की तरफ बढ़ रहा है, पैर पीछे हो रहे हैं कि अपने बेटे को कैसे मारूंगा। खिच खंडा राजा तुरपिया, जिड़ा गया महला विच जा। महलों के बीच में चला गया, महलों के बीच में जाकर कहने लगा, बेटा सुंदर आवाज लगाई। तो बेटा सुंदर आया, कहने लगा, हां जी पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं। राजा कहता है कि आज मां का पंथ जानना है, भगवती मां के दर्शन करने हैं, पर समस्या एक है कि घोड़े का शीश काट दिया है, तेरा शीश चाहिए। पिताजी बस इतनी बात है, यदि मेरा शीश दिए मां का पंथ जाना जाता है, तो ऐसी कई जिंदगियां कुर्बान हैं। ये धर्म के कार्य के लिए यदि आपने मुझे चुना है, तो मैं निसंकोच अपना शीश देने के लिए तैयार हूं। राजा ने एक ही झटके में बेटे का भी शीश उतार दिया। राजा फिर रो रहा है बड़ा कि आज अपने बेटे को मैंने मार दिया। राजा रोते रोते पहुंचा, कहने लगा, तारा रानी, आज तेरे लिए मैंने अपनी संतान को मार दिया, संसार की, सच्चे दरबार की। तारा रानी, अब मुझे पंथ बतला। राजन अभी नहीं, अभी इनके शरीर के, इनके शीश के छोटे छोटे टुकड़े करो और उन टुकड़ों को धोकर एक बलटोए में, एक पतीले में डालकर इसके नीचे अग्नि जलाओ, इस प्रसाद को पकाओ। राजा रोते रोते टुकड़े किए और उन टुकड़ों को धोकर बड़े पतीले में डालकर कहने लगा, तारा रानी, अब तक तेरी सारी बात मानी है मैंने, अब तेरी बात नहीं मानते। तारा रानी ने मां से फरियाद की, तो मां ने राजा हरिचंद को और तारा रानी को दर्शन दिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा कहने लगा, तारा रानी, आज तेरी बदौलत मुझे मां के दर्शन हो गए, गई जय माता। बोले, सच्चे दरबार की, मां ने दर्शन दिए और आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुई, राजा बड़ा प्रसन्न है कि बेटा भी मिल गया, घोड़ा भी मिल गया और मां के दर्शन भी हो गए। तारा रानी, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मांग ले क्या मांगती है। तारा रानी कहने लगी, राजन, इतना कुछ कह लिया, इतना कुछ सह लिया, पर तुम्हारे मन से अहंकार नहीं गया अभी तक। राजन, आप मुझे क्या दे सकते हैं, मुझे देने वाली मेरी मां बैठी है। इंसान सारा जीवन कहता रहता है कि ये मैंने किया, वो मैंने किया, प्रार्थना करता हूं कि मेरे लिए मांग लो। तारा रानी कहती है, ठीक है,
मैं दो वरदान मांगती हूं फिर। पहला वरदान कि आज से आपका और मेरा पति पत्नी का रिश्ता समाप्त, हम दोनों भक्त बनकर मां के मंदिर में सेवा करेंगे। दूसरा वरदान ये दो कि शहर के बाहर मां का मंदिर बनाओ, उस मंदिर के अंदर मां की मूर्ति स्थापित करो और मंदिर हर समय खुला रहेगा। वहां पर कोई किसी भी जाति का व्यक्ति आए, किसी को रोक टोक ना हो। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा ने दोनों शर्तें मान ली और अपने बेटे सुंदर को राजगद्दी देकर वहां से अपनी पत्नी तारा रानी के साथ मंदिर में जाकर मां की सेवा करने लगा। कहिए जय माता दी। मुल्क त्याग राजा तुरपिया, जिड़ा शरण ज्वाला जी दी गया आ, तेनु ब्रह्मा ते विष्णु त्याग दे और ध्यावे भोला नाथ, तेनु गुगा पीर जी ने आराध्या माड़ी विच स्थान, तेनु गुरु गोरखनाथ जी ने आराध्या उच्चा टिला जिना दा दरबार, तेरे द्वारे ते नौबत बाज दी झूले झूले लाल निशान, आपका जागरण संपूर्ण हो गया राजा यशदा तिलक लगा, जयकारा सुनहरी नेत्रों वाली माता जी का। जयकारा ज्वालामाई दा। भैया आरती उठा ले, आरती वाली थाली उठा ले। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, आपको निश दिन ध्यावते, मैया जी को निश दिन ध्यावते, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, सिंधूर विराजती टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्वल से दो नैना, उज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवरी रक्ता परिराजी, मैया रक्ता परिराजे, रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, ये हरि वाहन राजति खड़ग खपरधारी, मैया खड़ग खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवते, सुर नर मुनि जन सेवते, इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासा ग्रह मोती, मैया नासा ग्रह मोती, कोटिक चंद्र दिवा करे, कोटिक चंद्र दिवा करे, सम्राजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारी महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मति माती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संघारी शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु के डब दो मारे, मधु के डब दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी आप कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, आप शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत न
नृत्य करत भैरों, मैया नृत्य करत भैरों, बाजत ताल मृदंगा और बाजे बाजे ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित, भुजा अष्ट अति शोभित, वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, मन इच्छित फल पावत, सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे मैया जी की आरती जो कोई नित गावे, मैया प्रेम सहित गावे, शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय आनंद करणी, मैया जय मंगल करणी, आपको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव दि हरि, ओम जय अम्बे गौरी। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, अरे आज तो बधाई बाजे रंग महल में, ओम जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे, खाटू धाम विराजते, खाटू धाम विराजते, अनुपम रूप धरे, ओम जय श्री श्याम हरे, रतन जड़ित सिंहासन सिर पर चवर ढूरे, बाबा सिर पर चवर ढूरे, तज के सरिया बागो शवन पड़े, ओम जय श्री श्याम हरे, कल पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे, बाबा सिर पर मुकुट धरे, केवत धूप अग्नि पर केवत धूप जल केवत दीपक ज्योति जले, ओम जय श्री श्याम हरे, खीर चूरमा सुवरन थाल भरे, बाबा सुवरन थाल भरे, सेवक भोग लगावत, सेवक भोग लगावत, सेवा नित्य करे, ओम जय श्री श्याम हरे। झांझ कटोरा और घड़िया बल शंख मृदंग ढूरे, बाबा भगत आरती गावे, दास आरती गावे, जय जयकार करे, ओम जय श्री श्याम हरे। जो ध्यावे फल पावे, सब दुख से उभरे, बाबा सब दुख से हरे, सेवक जन निज मुख से, सेवक मुख से श्री श्याम श्याम उचरे, ओम जय श्री श्याम हरे। श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई जन गावे, बाबा प्रेम सहित गावे, कहते
मन माचित फल पावी। ओम जय श्री श्याम हरे, जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने, सब भक्तों के आपने पूरन काज करे। ओम जय श्री श्याम हरे, जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजते, खाटू में आप विराजते, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। आज तो बधाई बजे रंग महल में, आरती की जय हनुमान लला की, रोष दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबली दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पधाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंकस कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अही रावण की भुजा उखारे। माए भुजा असुर दल मारे, दाने भुजा संत जन तारे। सूर्य नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती की जय हनुमान लला की, रोज दलन रघुनाथ कला की। सभी हाथ जोड़कर स्तुति करेंगे बाबा की। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित लगाए। दास आगे हो शरण में, रखियो इसकी लाज। धन्य नुंडारो दे प्रणाम, खाटू नगर के बीच में बनो आपको धाम। फागुन शुक्ला मिला भरे, जय जय बाबा। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम। पान सुपारी इलायची इतर सुगंध भरपूर, सब भक्तन की विनती दर्शन देवो हजूर। आलू सिंह तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान, श्याम भगत पावे सदा श्याम कृपा से मान। जय जय बाबा श्याम, बोली श्याम प्यारे की। ओ आज तो बधाई आई, राम जी आए, सीता जी को साथ मिलाए। हाँ सीता जी को साथ मिलाए, सीता जी की पायल बाजी रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, देन बधाई श्याम जी आए, देन बधाई श्याम जी आए। राधा जी को साथ मिलाए, राधा जी को साथ मिलाए, श्याम जी की मुरली बाजी रंग महल में। और आज तो बधाई बाजे रंग महल
महल में दीन बधाई भोले जी आए, दीन बधाई भोला जी आए, गौरा माँ को संग मिलाए, गौरा माँ को संग मिलाए, शंकर जी का डमरू बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, दीन बधाई माता जी आए, दीन बधाई माता जी आए, शेर अपना नाल ले आए, शेर अपना नाल ले आए, माता जी का शेर साजे रंग महल में, और आज तो बधाई बाजे रंग महल में, दीन बधाई सतगुरु आए, दीन बधाई सतगुरु आए, संगत सारी साथ मिलाए, संगत सारी साथ मिलाए, सब संगत की ताली बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, ओ जय देवा सबको जय देवी, जय देवा कलकत्ते वाली, जय देवा माँ कालका वाली, जय देवा पटियाले वाली, जय देवा माँ बाला सुंदरी, जय देवा शाकुंभरी मैया, जय देवा कुल देवी को, जय देवा माँ जंगला वाली, जय देवा माँ रावर वाली, जय देवा माँ पाम वाली, जय देवा संत जनों को, जय देवा सब मंतों को, जय देवा आई संगत को, जय देवा घर वालों को, जय देवा मारकंडे जी को, जय देवा सब संगत को, जय देवा माँ शीरा वाली को, जय देवा अजी सच्ची ज्योत को, जय देवा ओ जय देवा, जय देवा सबको जय देवा, जय देवा जय देवा सबको जय देवा, पान चढ़ावा फूल चढ़ावा और चढ़ावा मेवा सबको जय देवा, जय देवा जय देवा सबको जय देवा, अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे चंद्र भरवन हरे, जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, ओ सारे बोलो जय माता दी, मेरी माँ भोली जय माता दी, भरती झोली जय माता दी, माँ तोड़े दर्पण जय माता दी, माँ देती दर्शन जय माता दी, याद कवारी जय माता दी, बड़ी लगे प्यारी जय माता दी, भवन आ गया जय माता दी, दर्शन कर लो जय माता दी, भंडारे भर लो जय माता दी, जयकारा शेरा वाली का बोल सांची दरबार की जय, अन्नपूर्णा भवानी वर दे मेला तेरा फेर होवेगा, शेरा वाली दे दरबार मेहरा 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 वाली दे दरबार के मेला तेरा फेर होवेगा, मेला तेरा फेर होवेगा, मेला तेरा फेर होवेगा, जयकारा ज्वाला माता जी दा बोल सांचे दरबार की जय। सभी को आज की जागरण की बहुत बधाई हो, और सभी थोड़ा थोड़ा पीछे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, और महाकाल मंडल के जितने भी मेंबर हैं वो सभी दो मिनट के लिए दरबार में आ जाइए। इसी तरह आते हुए सालों में भी माँ भगवती आप अपनी कृपा हम सब शिमला वासियों के ऊपर, सब भक्तों के ऊपर बनाए रखना, तो माँ का ध्यान कीजिए। हरिओम श्री मंगलाकाली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सुधर्मोस्तुते सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार साध की शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। अरदास जी अरदास, जागरण संपूर्ण की अरदास, महाकाल मित्र मंडल वालों की अरदास, हे महामाया राज राजेश्वरी आपके भक्तों की अरदास, जिस मनोकामना भावना से आपके भक्तों ने आपके नाम का जागरण करवाया, सारी रात महारानी आपके नाम की जोत जगाई, तो भाव लेके लगाना सदा अनुसंधाई रहना, दूर से नजदीक से चलकर जितने भी संत दरबार में आई है महारानी आप सबके परिवारों में मंगल करना, मुझ पर दया करो, जल जल्दी सब अपराध क्षमा कर दो, शारदा माता भक्ति दे दो, लक्ष्मी माँ भंडारे कर दो, आवाहन विसर्जन पूजा कुछ भी करना जानू ना, कर्म कांड भक्ति के मंत्र क्या है ये पहचानू ना, मैं अभरा तो सही भवानी शरण तुम्हारी आया हूँ, अज्ञानी बालक को बच्चों दाती तेरा जाया हूँ, प्रगट मुक्त जो होकर हो गए उन पर ध्यान न करना मा, पाठ चमन में करो तुम्हारा आशा पूर्ण करना मा, जयकारा शेरा वाली मैया का, जयकारा ज्वाला माता जी का, जयकारा चिंतपूर्णी माता जी का, जयकारा बगला मुखी माता जी का, जयकारा कांगड़े वाली माता जी का, जयकारा चमुंडा मैया जी का, जयकारा भद्रकाली माता जी का, जय मां 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 जय मां।
भी दे दे ओ भी दे दे एक भी दे दे सौ भी दे दे ऐ भी दे दे ओ भी दे दे एक भी दे दे सौ भी दे दे ऐ भी दे दे ओ भी दे दे एक भी दे दे सौ भी दे दे जितना भी फरमाइश तैनू पाई रख दे जितना भी फरमाइश तैनू पाई रख दे माँ बच्चे तेनू वेले कम लाई रख दे ऐ भी दे दे ओ भी दे दे एक भी दे दे सौ भी दे दे फिर पिछों डर दे ना हो जाइए फिर पिछों डर दे पास करा दे मैया शोर मचाई रख दे पास करा दे मैया शोर मचाई रख दे पास करा दे मैया शोर मचाई रख दे माँ बच्चे तेरे वेले कम लाई रख दे माँ बच्चे तेनू वेले कम लाई रख दे ऐ भी दे दे ओ भी दे दे एक भी दे दे सौ भी दे दे ऐ भी दे दे ओ भी दे दे एक भी दे दे सौ भी दे दे छोटी गड्डी वाले कहंदे वड्डी लैनी है छोटी गड्डी वाले कहंदे वड्डी लैनी है माए तेनू चक्करा च पाई रख दे माए तेनू चक्करा च पाई रख दे माए तेनू चक्करा च पाई रख दे मां बच्चे तेरे वेले कम लाई रख दे मां बच्चे तेनू वेले कम लाई रख दे ऐ भी दे दे ओ भी दे दे एक भी दे दे सौ भी दे दे ऐ भी दे दे ओ भी दे दे एक भी दे दे सौ भी दे दे जय 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 मां जय 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 मां जय 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 मां जय सहारा वोटा दा कोई कहंदा दे दे मां सहारा वोटा दा कोई कहंदा मी बरसा दे मैया नोटा दा कोई कहंदा मी बरसा दे मैया नोटा दा हर वेले पाई ए दुहाई रख दे हर वेले पाई ए दुहाई रख दे हर वेले पाई
रख दे मां बच्चे तेनू वेले कमलाई रख दे ऐ भी दे दे ओ भी दे दे इक भी दे दे सौ भी दे दे ऐ भी दे दे ओ भी दे दे इक भी दे दे सौ भी दे दे दुकान मंगता कोई मंगे कोठी कोई दुकान मंगता कोई साहिल मान ते सम्मान मंगता कोई साहिल मान ते सम्मान मंगता हर वेले तेनू ने सताई रख दे हर वेले तेनू में सताई रख दे हर वेले तेनू में सताई रख दे मां बच्चे तेरे वेले कम लाई रख दे बच्चे तेनू वेले कम लाई रख दे ऐ भी दे दे ओ भी दे दे इक भी दे दे सौ भी दे दे ऐ भी दे दे ओ भी दे दे इक भी दे दे सौ भी दे दे जितना भी फरमाइश तेनू पाई रख दे जितना भी फरमाइश तेनू पाई रख दे मां बच्चे तेनू वेले कम लाई रख दे मां बच्चे तेनू वेले कम लाई रख दे मां बच्चे तेनू वेले कम लाई रख दे ऐ भी दे दे ओ भी दे दे इक भी दे दे सौ भी दे दे ऐ भी दे दे ओ भी दे दे इक भी दे दे कुछ
है घर में बस तू नहीं है, सच्ची आए माता तेरी कमी है। मेरी विनती है बारंबार, सभी मिलके रहे, सभी मिलके रहे, ओ सभी मिलके रहे, सभी मिलके रहेंगे। सिंहासन का सिंहासन, फूलों का सिंहासन, उस पे सजाया है माँ तेरा आसन, माँ तेरा आसन, माँ तेरा आसन। छोटे से घर में फूलों का सिंहासन, उस पे सजाया है माँ तेरा आसन। मेरी श्रद्धा है उसमें अपार, मेरी श्रद्धा है उसमें अपार, तुम भी आ जाओ माँ एक बार, सभी मिलके रहे, सभी मिलके रहे, ओ सभी मिलके रहे, सभी मिलके रहे। हम सब अधूरे, हम सब अधूरे, हम सब अधूरे, कर दे हमारे भी जाओ पूरे, माँ जाओ पूरे, माँ जाओ पूरे। माँ तेरे बिन हैं हम सब अधूरे, कर दे हमारे भी जाओ पूरे, हमें दे दो माँ ममता दुलार, हमें दे दो माँ ममता दुलार, तुम भी आ जाओ माँ एक बार, सभी मिलके रहे, सभी मिलके रहे, ओ सभी मिलके रहे, सभी।